दोस्तों आज आपको एक ऐसा फेसलेस चैनल आइडिया देता हूं जहां पे कंटेंट के नहीं सिर्फ थंबनेल की जरूरत है, यानी कि सिर्फ थंबनेल आपको मिलियन व्यूज लाके देगा। यकीन नहीं आ रहा तो बताता हूं कि कौन सा चैनल आइडिया है और कौन से थंबनेल्स हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो, ये एक चैनल है नाउ स्टूडियो, जिसके सिर्फ 16 अपलोड्स हैं और 5,500 सब्सक्राइबर्स इसने गेन कर लिए हैं। कंट्री इंडियन ही है। और ये देखो क्रिएट कब हुआ, ये चैनल स्टार्ट हुआ है 3 जनवरी 2024 को। अब आपको लग रहा होगा कि यार 5,500 तो सब्सक्राइबर्स हैं, क्या ही तोप चला ली इसने। तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, देख लो इसके व्यूज, लास्ट 30 दिन में इसने गेन किए हैं 1.164 मिलियन व्यूज, और अर्निंग अब देख लो $290 से $4,000। इसके डेली व्यूज देखते हैं तो डेली आप देखो 33,000, 39,000, 29,000, 34,000, 37,000, 38,000, 49,000, 39,000 डेली 40,000 से 50,000 व्यूज आ रहे हैं। और एक बार फिर बता दूं, इसके सब्सक्राइबर सिर्फ 5,000 हैं। भाई कितने ही होते हैं 5,000 सब्सक्राइबर, और अगर लॉजिकली देखा जाए तो 5,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल में मुश्किल से मुश्किल व्यूज आने चाहिए 500 तक, 10% का रहता है 500 तक, तो उतने ही आने चाहिए, लेकिन इसके आ रहे हैं 50,000, 40,000 व्यूज। ठीक है, दूसरा चैनल है 1 मिनट ज्ञान, इसके 1600 अपलोड्स हैं, इसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और इसके डेली व्यूज देखो, इसके पहले लास्ट 30 डेज में इसके देख लो 2.56 मिलियन व्यूज हैं, $640 से ऊपर अर्निंग है इसकी, $10,000 तक मैक्सिमम है, मतलब 640 से $10,000 तक। और नीचे देखो इसके व्यूज 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 78,000, 1,00,000, 1,00,000, मतलब रेगुलरली 1,00,000 व्यूज रोज आ रहे हैं। यानी ये चैनल जिसके रोज 1,00,000 व्यूज आ रहे हैं, वो एटलीस्ट डेली $50 पूरे कर रहा है। और ये जो चैनल है जिसके डेली 30,000, 40,000, 50,000 व्यूज आ रहे हैं, वो भी $25-30 पूरे कर ले रहा होगा। तो यानी मंथ में ओवरऑल अच्छी कमाई वो भी ये दोनों ही चैनल कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये भाई बनाते क्या है ये लोग। तो नाउ स्टूडियो पे आते हैं तो ये भाई साहब बनाते हैं कि शूटिंग कैसे हुई किसी भी पर्टिकुलर फिल्म की। किसी भी फिल्म को उठा लेता है, नई पुरानी फिल्मों को, और इनकी शूटिंग कैसे हुई, यानी बिहाइंड द सीन्स। अब इसने सिर्फ 16 वीडियो में इसके व्यूज देखो, इसने एक महीने पहले वीडियो डाली है हम आपके हैं कौन बिहाइंड द सीन्स, शूटिंग कैसे हुई। अभी देख लो यहाँ थंबनेल देखो, मेन जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है इसका थंबनेल। इसके थंबनेल को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको सलमान, माधुरी, ये 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो शूटिंग पे, जो सेट्स पे रहते हैं। और ये पीछे लगा दिया है एक नकली सा ग्रीन स्क्रीन, मतलब थंबनेल में सारा गेम कर दिया इसने। एक्चुअल में हम आपके हैं कौन का कोई भी सीन ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं हुआ था। उस जमाने में ग्रीन स्क्रीन और इतना VFX यूज होता ही नहीं था, सस्ती मद्दी फिल्में बनती थी और रिलीज हो जाती थी, इतना हाईटेक और इतनी टेक्नोलॉजी उस वक्त यूज नहीं हुआ करती थी। लेकिन भाई ने सिंपल से इस सीन को भी ग्रीन स्क्रीन दिखा दिया, तो ये है थंबनेल का कमाल। ये किसी भी सीन को अगर आप किसी भी एक ऐसी फिल्म के सीन को आप ग्रीन स्क्रीन पे क्रिएट कर देते हो, तो उसके बाद बंदा खुद ब खुद क्लिक कर देता है यार कि देखे आखिर हम आपके हैं कौन शूट कैसे हुई थी। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने चैनल पर, और ये देखो यहाँ पे सारे ही थंबनेल्स इस तरह से बनाए जाते हैं। बगल में देखो इसकी एक महीने पहले इसने डाली है एनिमल मूवी के, और थंबनेल देखो यहाँ पे भी वही है, रणबीर कपूर जो बड़ी वाली गन चला रहा है वो भी ग्रीन स्क्रीन पे, एक्चुअल में ये भी ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं हुई थी। और ऐसे बहुत सारी मूवीज है, मतलब सारी ही मूवीज को इसी तरह से बनाता है। और इसी देखो पठान का एक सीन उठा लिया इसने और यहाँ पे उसको लगा दिया ग्रीन स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप बस एक चीज फोकस करो, यहाँ पे ये थंबनेल से क्यूरियस कर देता है ऑडियंस को क्लिक करने के लिए अपनी वीडियो पे कि देखो ये पठान की शूटिंग कैसे हुई थी, या फिर हम आपके हैं कौन की शूटिंग कैसे हुई थी, एनिमल की शूटिंग कैसे हुई थी। अब इसका हम एक वीडियो ओपन करके देख लेते हैं कि भाई ग्रीन स्क्रीन ने थंबनेल पे लगाया है, ये जो ग्रीन स्क्रीन ने थंबनेल पे लगाया है ये क्या इसने वीडियो में भी यूज किया है एक्चुअली कोई ग्रीन स्क्रीन वाला सीन। तो ये इसकी हम आपके हैं कौन वाली वीडियो है, और प्ले करके देखते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट रोल होता है, आखिर तभी तो 28-29 सालों बाद भी ऐसे सॉन्ग्स आज भी खूब पसंद किए जाते हैं। भाई फिल्म का एक सीन ले लिया है इसने और उसी पे अपना कमेंट्री कर रहा है, इसमें अपना जो भी कुछ बताना है इस वीडियो के बारे में वो बता रहा है। वो भी अभी बताऊंगा आपको कि ये सब कंटेंट कहां से लेते हैं, कि क्या बोलना है फिल्म के बारे में, या क्या हम फैक्ट बता सकते हैं ऐसे जो लोगों को ना पता हो।
तो फिल्म के छोटे छोटे सीन्स लेने, आपको एक साथ बहुत लंबा सीन नहीं लेना है, 1 मिनट 2 मिनट का सीन नहीं, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड की ऐसी क्लिप्स चलानी है, ठीक है, ताकि ब्रेक ब्रेक में, और लगातार भी आपको क्लिप्स यूज नहीं करनी है, आप 5 सेकंड की क्लिप यूज करो, उसके बाद एक इमेज लगा दो, उसके बाद फिर क्लिप, फिर इमेज, ब्रेक में यूज करनी है आपको, और बहुत ही छोटी छोटी क्लिप्स यूज करनी है, ताकि ऑडियंस का एंगेजमेंट ही बना रहे और कॉपीराइट का चक्कर भी ना पड़े, आज भी, कल भी, या कभी भी फ्यूचर में भी, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा चैनल दिखाता हूं आपको, ये है एक इन्फोटेनर 90, सेम चीज ये भी करता है, ये भी ये बताता है कि भाई बिहाइंड द सीन्स शूटिंग कैसे हुई थी। अब यहाँ पे देखो इसके पॉपुलरस्ट मोस्ट पॉपुलर वीडियो में अगर आए तो ये है, 1 साल पहले इसने डाली है RRR की बिहाइंड द सीन्स, 5.4 मिलियन व्यूज गए हैं। एक और डाली है इसने RRR की जिसपे 3.7 मिलियन व्यूज गए हैं, और ऐसे बहुत सारी है, बाहुबली, PK, मतलब कहीं से भी एक क्लिप को उठाओ, उसको ग्रीन स्क्रीन पर डालो, और आपकी एक बढ़िया सा थंबनेल तैयार है जिसपे लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे, ये देखने के लिए कि RRR की शूटिंग कैसे हुई थी। ये सब बड़ी बड़ी फिल्में हैं, RRR, एनिमल, बाहुबली, इस पर लोग देखेंगे ही देखेंगे आके, ठीक है। अब इसका RRR का एक वीडियो ओपन करते हैं और उसको चलाते हैं कि भाई इस वीडियो में इसने कौन सा सीन बताया है वाले सीन का। इसका आप बिहाइंड द सीन देख के तो चौंकी जाओगे, जहाँ पर NTR एक तेंदुए से लड़ाई करते हैं, और दोस्तों ये जान के तो आप चौंकी जाओगे कि NTR कैसे एक तेंदुए को उठा के फेंका था। सीन तो ये है भाई यहाँ पे कि एक फिल्म का सीन है, स्लो मोशन में चला लो, फास्ट मोशन में चला लो, थोड़ा सा इफेक्ट इफेक्ट डाल दो, और उसमें अपनी कमेंट्री करते रहो जैसे ये कर रहा है। ये बिल्कुल फेसलेस चैनल है, यहाँ पे आपको भाई अपने फेस दिखाने वाला, बस अपने माइक से अच्छी अच्छी चीजें आप फिल्म के बारे में अननोन फैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं और बताना है, और क्लिप्स आपको फिल्म से ही छोटी छोटी क्लिप्स लेनी है, और इमेजेस यूज कर सकते हो फिल्म की। एक और चैनल दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चैनल है ये, एक चैनल है जिसका नाम है 1 मिनट ज्ञान, ये देखो यहाँ पे 1 मिनट ज्ञान है चैनल का नाम। इसने 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, ऐसे हुई थी रामायण की शूटिंग, ये पहला ही जो थंबनेल बड़ा सा दिख रहा है ये है, ऐसे हुई थी रामायण की शूटिंग, और इसका थंबनेल देखो, इसमें जो एक्टर्स थे राम लक्ष्मण और जितने भी एक्टर्स हैं वो सब कोई एक पर्टिकुलर सीन उठाया उसने और पीछे लगा दिया थंबनेल पे ग्रीन स्क्रीन। अब देखने वाले को लगेगा कि यार ये तो एक्चुअल कोई शूटिंग का सीन है, जबकि रामायण 1980s में शूट हुई थी भाई साहब, 90s 2000 तक भी ग्रीन स्क्रीन बहुत ही कम था या नहीं ही था, 80s में तो भूल जाओ, एक्चुअली वहाँ सेट लगाए गए थे, गांव बनाया गया था जहाँ पे पूरी रामायण शूट हुई थी, लेकिन इस भाई ने यहाँ पे भी खेल गया रामायण पे भी, यहाँ पे भी इसने बढ़िया ग्रीन स्क्रीन वाला थंबनेल लगा दिया। और इसी चैनल देखो, इसी बंदे ने ही इस टॉपिक को, रामायण वाले टॉपिक को कितनी बार यूज़ किया है, 1 मिनट ज्ञान ये चैनल है रामायण की शूटिंग। अब थोड़ा और नीचे करते हैं, यहाँ पे देखो फिर से 1 मिनट ज्ञान, ऐसे हुई थी रामानंद सागर की रामायण की शूटिंग, और उसका थंबनेल देखो, बस थंबनेल थोड़ा सा चेंज किया है और बाकी चीजें अंदर ही वही, यहाँ भी 4 कैरेक्टर्स उठाए और पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा दिया। अब व्यूज देखो आप, ये वीडियो डाली है पहली वाली, इस पे है 7 लाख व्यूज, दूसरी वाली पे आए हैं 6 मिलियन व्यूज, यानी एक ही एक वीडियो से इसने 1 लाख रुपए कमाए हैं। इसके बाद और नीचे आ जाओ तो फिर से ये देखो 1 मिनट ज्ञान, 1 साल पहले ही इसने डाली है और इस पे आए हैं 2.9 मिलियन व्यूज, यानी इसने सिर्फ रामायण के ऊपर 3-4 वीडियोस बना के आराम से 2-3 लाख रुपए कमा लिए हैं। और ये कोई और चैनल है रहस्य दुनिया, इसने भी सेम चीज करी है, ये यहाँ पे बजरंगबली का एक इमेज लगाई है, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा दी और ऐसा लग रहा है कि शूटिंग चल रही है, जबकि एक्चुअल में ऐसी कोई शूट हुई नहीं थी। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपको फिल्म से रिलेटेड कोई अननोन फैक्ट्स आपको थोड़े कलेक्ट करने हैं कि कैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो लोग नॉर्मल लोगों को नहीं पता हो, और सारा गेम है थंबनेल का, आपके व्यूज दिलवाएंगे आपको थंबनेल्स। अब इस तरह के थंबनेल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और फिर जो वीडियो में कॉन्टेंट है वो कैसे जनरेट किया जाता है, अब उन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले जनरेट करते हैं थंबनेल को। तो थंबनेल जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल, और यहाँ पे जिस भी मूवी के ऊपर आप ऐसा बिहाइंड द सीन वाला वीडियो बनाने जा रहे हो, से फॉर एग्जांपल हम एनिमल मूवी है, लेटेस्ट वही है तो वही ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे सिंपल एनिमल मूवी और इमेजेस पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फिल्म के पोस्टर्स भी मिलेंगे, अलग अलग टाइप की इमेजेस भी मिलेंगी। अब कोई भी एक ऐसी इमेज ले लो जो फिल्म का सीन लग रही हो, रियलिस्टिक सा सीन लग रही हो, जैसे ये बाइक पे आ रहा है ये भी एक इमेज हो सकती है, ये अनिल कपूर और रणबीर कपूर इनकी एक इमेज हो सकती है, या फिर ये वाली इमेज है, ये काफ़ी पॉपुलर इमेज है तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अपन कर लेते हैं सीधा सीधा कॉपी,
आप ये समझना कि इस तरह के नीश में सारा गेम ही थंबनेल का है, ठीक है। अब आ जाओ रिमूव बैकग्राउंड वाली, सबसे पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत लोग मतलब सारे क्रिएटर्स इसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपने जो इमेज अभी कॉपी की है गूगल से एनिमल की, उसे यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको एक इमेज की और जरूरत पड़ेगी, जो ग्रीन स्क्रीन और जो कैमरे वाली जो इमेजेस होती हैं, जो स्टूडियो की एक इमेज है वो आपको चाहिए। तो वो अगेन आप गूगल पे सर्च कर लो, ग्रीन स्क्रीन विद कैमरा या ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो, कुछ भी ऐसा सर्च कर लो, इमेजेस पे आ जाओ। और यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टूडियो का, इस पर क्लिक कर लो। मतलब तरीके बहुत सारे हैं, बस आप सर्च करते जाओ। तो यहाँ पे इतनी सारी इमेजेस हैं, कोई भी एक जो भी इमेज आपको लगती है कि हाँ ये एक अच्छा बैकग्राउंड बन सकती है, उसको सेव कर लो अपने सिस्टम पे। और ये सेव करने के बाद आ जाओ अपने थंबनेल मेकर में, जहाँ भी आप अपना थंबनेल बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं कैनवा यूज़ करता हूँ अपने सारे थंबनेल्स के लिए, तो मैं आ जाता हूँ कैनवा पे। आप जो भी मोबाइल कोई थंबनेल क्रिएटर यूज़ करते हो मोबाइल पे, तो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले वो जो बैकग्राउंड आपने अभी डाउनलोड किया है ग्रीन स्क्रीन वाला, उसे यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसको यहाँ फैला के कर दो फुल स्क्रीन। अब ये अपलोड होने के बाद आपने जो मूवी क्लिप का जो बैकग्राउंड रिमूव किया था अभी हमने रणबीर और अनिल कपूर का, उसे यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये इमेज भी हमने यहाँ इंपोर्ट कर ली है। अब इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा जितना बड़ा लेफ्ट राइट जहाँ भी रखना है उसको एडजस्ट कर लो, और बस अब आपकी थंबनेल रेडी है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना इस तरह के थंबनेल में। मेन ये है कि आपके जो थंबनेल में जिस मूवी का आप थंबनेल बना रहे हो उसका जो मेन कैरेक्टर है, सलमान हो, रणबीर हो, शाहरुख हो, चाहे आरआरआर हो, चाहे बाहुबली हो, जो मेन कैरेक्टर है वो दिखना चाहिए, और बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन दिखनी चाहिए, ठीक है। अब आपकी ये थंबनेल तैयार है, और यहाँ पे आप कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ एक लाइन लिख देते हैं सिंपल सी। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी लाइन लिख दी है, एनिमल बीटीएस यानी एनिमल बिहाइंड द सीन्स। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। एनिमल की शूटिंग कैसे हुई थी, एनिमल की शूटिंग के वक्त क्या हादसा हो गया, कोई भी ऐसी चीज जैसे दिन देख के भाई पढ़ के ऑडियंस रुक जाए और क्लिक कर दे, आपका काम हो गया। तो ऐसा कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे उस बंदे ने लिख रखी है कि यहाँ हुई थी रामायण की शूटिंग ऐसे हुई थी, तो वो सारी चीजें आपको, जैसे हाँ ये है ऐसे हुई थी रामायण की शूटिंग, ऐसा कुछ भी लिख दो। आप लिख दो ऐसी हुई थी एनिमल की शूटिंग, कुछ भी आपको ऐसा लिखना है जिससे पढ़ के ऑडियंस इंट्रीग हो जाए और क्लिक कर दे। तो यहाँ पे आपका थंबनेल बनाना तो बहुत ही सिंपल है इसका, ठीक है। एक ग्रीन स्क्रीन वाला बैकग्राउंड स्टूडियो चूज करना है आपको, स्टूडियो बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन जिसमें कैमरे वैमरे लगे हों, थोड़ा रियलिस्टिक सा लगे। और एक आपको चूज करनी है इमेज, चाहे तो इमेज चलती फिल्म के बीच से कोई अच्छी क्लिप चाहिए तो वहां पे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर गूगल इमेजेस पे हर फिल्म की इमेजेस मिली जाती हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो। तो यहाँ पे थंबनेल कंप्लीट। अब आते हैं कंटेंट पर कि यार थंबनेल तो बन गया, कंटेंट भी तो देना पड़ेगा, भले ही कॉन्टेंट सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट थंबनेल है, लेकिन फिर भी कॉन्टेंट तो देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको चाहिए कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स या कुछ ऐसी बातें उस फिल्म के बारे में जिसके बारे में वीडियो बना रहे हो जो नॉर्मल लोगों को ना पता हो। अब वो लेने का क्या तरीका है, देखो कुछ तो चैनल्स ही होते हैं, जैसे एक चैनल है ये रणबीर कपूर किंगडम, ये रणबीर कपूर की इधर उधर की वीडियोस, कहाँ पे शूट कर रहा है, कैसे शूट कर रहा है, कौन सी फिल्म की शूटिंग में है, ये बिहाइंड द सीन्स भी डालता रहता है। जैसे यही वाली एक वीडियो हम प्ले कर दें अगर, अब इसके चैनल पे इसके पास कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स भी रहती है, ये कहीं से भी अरेंज कर सकता होगा, लेकिन इसके पास रहती हैं। तो ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो पर्टिकुलरली बिहाइंड द सीन्स वाले जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं वो अपलोड करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वीडियो है, तो ये है, इसको आप यूज कर सकते हो अगर बिहाइंड द सीन कुछ बताना है या दिखाना है, ऐसे इमेजेस हैं। प्लस इसके अलावा आप जितने भी स्टार्स हैं, सपोज जिसकी आप जिसके ऊपर वीडियो बना रहे हो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। अब इंस्टाग्राम पे वो लोग अपनी रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग चल रही है, इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। अभी रिसेंट में आपको मिर्जापुर की शूटिंग चल रही है, और मिर्जापुर की आपको बहुत सारी ऐसी क्लिप्स मिलेंगी बिहाइंड द सीन्स वाली कि यहाँ शूटिंग चल रही है, मुन्ना भैया, कालीन भैया, इन सब की वीडियोज़ वगैरह आती रहेंगी, इमेजेस भी आती रहेंगी, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो।
उसकी वीडियोज भी बहुत ज्यादा अभी वायरल हो रही है, बहुत आपने भी कहीं देखी होंगी। प्लस अब इन एक्टर्स को, रणबीर को या किसी भी रश्मिका मंदाना को, इनको अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो ये अपनी रील्स में ऐसी चीजें डालते रहते हैं कि अभी कहाँ शूट चल रही है, कहाँ शूट चल रही है, उन क्लिप्स को आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया, अब वीडियोज कहाँ से यूज कर सकते हो अपने कॉन्टेंट में, अपनी वीडियो में, मतलब बिहाइंड द सीन वाली वीडियोस। इसके अलावा जो चीजें आपको कवर करनी है यानी अननोन फैक्ट्स, वो आप स्ट्रेट अवे सर्च कर लो गूगल पे, गूगल से बड़े मतलब बेहतर रिसर्च करने वाला कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल हमें रामायण के ही कुछ फैक्ट्स चाहिए, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अननोन फैक्ट्स अबाउट रामानंद सागर रामायण, इन हिंदी भी ऐड कर देते हैं वरना फिर क्या होगा, ये इंग्लिश वेबसाइट भी दे देगा इन हिंदी। ठीक है, तो अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे। अब यहां पे आप देखो रामायण सीरियल फैक्ट्स, ऐसे हुआ था रामानंद सागर की रामायण का, क्लिक करोगे पूरा पढ़ लोगे। रामानंद सागर की रामायण के 10 फैक्ट्स उड़ा देगी आपके होश। और नीचे आ जाओ थोड़ा, रामायण से जुड़े ये आइकॉनिक और रोचक फैक्ट्स, रामानंद सागर की रामायण के बारे में 15 रोचक बातें। रामानंद के एक एपिसोड पर होता था इतना खर्च, कमाई ने तो तोड़ दिए थे रिकॉर्ड। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। अब आपको क्या करना है, जिस भी फिल्म को आप कवर कर रहे हो उसके ऐसे फैक्ट्स आपको सर्च कर लेने। सपोज फॉर एग्जांपल रामायण की हम ले लेते हैं, थंबनेल मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है। कोई भी एक क्लिप ले लो रामायण की, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके ग्रीन स्क्रीन पे चिपका दो और ऊपर लिख दो ऐसे हुई थी रामायण की शूटिंग, और उसमें फैक्ट्स बताने हैं तो आप यहां से फैक्ट्स ले लो। अब वीडियोज यूज करनी है तो रामानंद सागर की रामायण की तो भाई बिहाइंड द सीन्स उस टाइम की मिलने नहीं वाली, इम्पॉसिबल है, या शायद कहीं मिल जाए रेयर, लेकिन बहुत ही कम चांस है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज करना रामानंद सागर की रामायण की, और इसके अलावा जो एक्चुअल जो रामायण थी, जो रामानंद सागर वाली, उसके 5-5 सेकंड के क्लिप्स यूज कर लेना। ठीक है, उसमें इफेक्ट्स डाल देना ताकि वो शेक वेक करती रहे और कॉपीराइट की उसमें ट्रैक में ना पाए। तो इस तरह से बनती है ये वीडियोस। यहाँ पे इसमें क्या होता है, कंटेंट कम होता है, फैक्ट्स यहाँ से ले लिए जाते हैं, सारा गेम होता है थंबनेल का। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सारा गेम ही है थंबनेल का। इतने ज़्यादा क्लिकेबल थंबनेल्स होते हैं कि अगर आपको दिख जाएगी कभी पठान कहाँ शूट हो रही है, जवान कहाँ शूट हो रही है, या रणबीर कपूर की एनिमल कहाँ शूट हो रही है, तो आप क्लिक कर दोगे। पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी होगी तो आप क्लिक ज़रूर कर दोगे। और मैं आपको बताऊँ कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को बस ट्रिगर करना होता है, वो किस चीज़ से ट्रिगर हो जाए यूट्यूब का एल्गोरिथम भाई कुछ नहीं पता। कभी वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर ट्रिगर हो जाता है, कभी वो सिर्फ CTR पर ट्रिगर हो जाता है कि भाई इसने थंबनेल अच्छी बनाई है। जैसे नॉर्मली हम लोग थंबनेल बनाते हैं तो हमारे थंबनेल्स पे आते हैं 8%, 9%, 10% का CTR। कभी बहुत अच्छा वीडियो कोई बहुत अच्छा तगड़ा कोई थंबनेल बन गया तो उस पे 15% CTR आ जाता है, बहुत हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं। लेकिन इन चैनल्स का CTR रहता है कम से कम 30-30%, यानी 100 लोगों के पास ज्यादा 30 लोग इस पे क्लिक करते हैं और इसीलिए इन पे व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो जैसे मैंने बताया इस तरह की नीश में सारा गेम है थंबनेल्स का। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।